दी इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपसे साधारण मापनी या प्लेन स्केल तथा इससे संबंधित एक क्वेश्चन के विषय में बात करने वाले हैं आइए सबसे पहले हम आपको प्लेन स्केल के बारे में कुछ जानकारी दे दें प्लेन स्केल का प्रयोग जनरली लंबाई की दो लगातार इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जहाँ कहीं भी आपको लंबाई की दो कंसेक्यूटिव यूनिट्स को शो करना हो वहाँ आप क्या करेंगे प्लेन स्केल को यूज करेंगे दो कंसेक्यूटिव यूनिट मतलब जैसे कि सेंटीमीटर डेसीमीटर, लगातार दो इकाइयाँ होनी चाहिए मीटर डेका मीटर जैसे कि डेका मीटर के बाद हेक्टोमीटर आता है तो ये दो लगातार इकाइयाँ हैं और सभी इकाइयों की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लंबाई की सभी इकाइयों को मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर और किलोमीटर इन सभी इकाइयों में सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर और सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर की होती है दो कंजिव यूनिट्स में कोई भी दो हो सकती हैं लगातार ये, दो है, ये दोनों हो सकती हैं ये दोनों हो सकती हैं या ये दोनों हो सकती हैं मतलब इनमें से कोई भी जो एक दूसरे के लगातार हो उनको जब भी आपको प्रदर्शित करना होगा तो आप प्लेन स्केल का यूज करना होगा आम जिंदगी में जनरली लोग प्लेन स्केल या सरल मापनी का यूज़ करते आए हैं जैसे स्कूल कॉलेज में जो आप स्केल यूज करते हैं उस पर दो यूनिट प्रदर्शित होती है मिलीमीटर और सेंटीमीटर की जो आप जनरली जल्या स्कूल में या कॉलेज में स्केल यूज करते हैं तो यही दो यूनिट उस स्केल पर प्रदर्शित होती हैं इस प्रकार से उसको आप प्लेन स्केल भी कह सकते हैं भाई सरल मापनी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आप सेट स्क्वायर यूज करते हैं वो भी एक तरह का प्लेन स्केल ही है क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये सेंटीमीटर के निशान अलग अलग बने हुए जो आंकिक मान लिखे हुए हैं और सभी पे छोटे छोटे और सब डिवीजन किए जाते हैं जो कि मिलीमीटर्स को प्रदर्शित करते हैं तो इस स्केल पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर दो यूनिट दिखाई गई है लंबाई की तो ये एक प्रकार का प्लेन स्केल ही है इतना जान लेने के बाद आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लें तो क्वेश्चन ये है कि एक मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर व हेक्टोमीटर के चिन्ह अंकित हों तथा डेढ़ सेंटीमीटर से 900 मीटर की दूरी दिखाई गई हो इसका आर एफ ज्ञात करो तथा 8 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर या तो उसे 8.6 किलोमीटर भी कह सकते हैं की दूरी प्रदर्शित करनी है तो क्वेश्चन में जैसा दे रखा है कि इस पर क्या है किलोमीटर और हेक्टोमीटर दो लगातार कंसेक्यूटिव यूनिट को प्रदर्शित करना है इसीलिए यहाँ पे इसने ये नहीं बताया है कि कौन सी मापनी बनानी है इससे इस स्पष्ट है कि इन दोनों लगातार कंसेक्यूटिव यूनिट्स को दर्शाना है तो आप क्या करेंगे प्लेन स्केल को ही बनाएंगे तो हमें प्लेन स्केल बनाना है जिस पर एट किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है तथा आर एफ भी निकालना है तो आइए इसे सॉल्व करते हैं चूँकि हमें आर एफ की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम आइए देख लेते हैं कि आर एफ का फॉर्मूला क्या होता है आर एफ को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न कहते हैं इसके बराबर हम लिखते हैं ड्राइंग में वस्तु के माप बटे में वस्तु की, की वास्तविक माप तो हम क्या कर रहे हैं कि वास्तविक माप जो कि 900 मीटर है को हम ड्राइंग में डेढ़ सेंटीमीटर से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ड्राइंग में वस्तु की माप कितनी है 1.5 सेंटीमीटर जबकि वास्तविक माप जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं कि इसको 900 मीटर को आप डेढ़ सेंटीमीटर से प्रदर्शित कर रहे हैं तो वस्तु की वास्तविक माप क्या लिखी जाएगी 900 मीटर अब क्या करना है कि इस मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा तो आइए देख लेते हैं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो हमको मीटर की वैल्यू किस में चाहिए सेंटीमीटर में तो इसको कन्वर्ट करने का ट्रिक क्या है कि जिसको पूछ रहा है उसके नीचे आप एक लिखिए और जहाँ से पूछ रहा है वहाँ तक आप ज़ीरो बढ़ाते जाइए तो यहाँ से निकल के आया है कि एक मीटर इज्कल टू तो सौ सेंटीमीटर तो इस प्रकार से अगर हम 900 मीटर में 100 का गुणा कर दें तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में हमें मिल जाएगी तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं फिर अगर आप देखें तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा ये 1.5 को अगर छः बार ले जाएं तो उसकी वैल्यू नौ के बराबर हो जाएगी तो यहाँ से आर की जो वैल्यू मिल पा रही है वो आप देखेंगे वन बाई सिक्स के आगे चार शून्य प्राप्त हो जाएंगे हमें लगभग जिसे आप साठ हज़ार कह सकते हैं तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी एक बटे में साठ हज़ार तो इस प्रकार से आर ज्ञात हो जाने के बाद अब अगला जो काम करना है वो हमें आठ किलोमीटर और छः किलोमीटर की दूरी को दर्शाना पड़ेगा तो उसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमको स्केल की रचना करनी पड़ेगी और स्केल की रचना करने के लिए हमें स्केल की लंबाई ज्ञात करनी होगी तो आइए सबसे पहले स्केल की लंबाई ज्ञात कर लें उसके लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं तो फार्मूला होता है कि मापनी की लंबाई इज्कल टू आर एफ़ मापनी से मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी तो ये जो मापनी की लंबाई होती है ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए निकाली जाती है हमेशा सेंटीमीटर में इसको निकालना होता है आर एफ हमको यहाँ से मिल पाया है और मापनी से मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी हमेशा ही हमें जो माप प्रदर्शित करना होता है स्केल में जैसे यहाँ पे हमें 8.6 किलोमीटर को प्रदर्शित करना है तो सदैव हम इससे बड़ी पूर्ण संख्या को लेंगे तो 8.6 से बड़ी पूर्ण संख्या को आ जाएगी 9 किलोमीटर तो मापनी से मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए 9 किलोमीटर रखी जाएगी तो यहाँ से आएगा लेंथ ऑफ स्केल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आर की वैल्यू लिखेंगे हम वन बाई सिक्सटी थाउजेंड इनटू मापनी से मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी क्या अभी मैंने निकाला नाइन किलोमीटर जो भी दूरी प्रदर्शित करनी होती है उससे सदैव बड़ी दूरी को लेते हैं और वो भी पूर्ण संख्या में तो इससे बड़ी दूरी जो होगी वो पूर्ण संख्या में नाइन किलोमीटर होगी तो मापनी से मापी जा सकने वाले अधिकतम दूरी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे नाइन किलोमीटर चूँकि हमें लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में निकालना होगा तो इसके लिए हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आई किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना है कि सबसे बड़ी इकाई जो किलोमीटर को वैल्यू हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम इसके नीचे वन लिखेंगे और जहाँ से पूछी गई वहाँ तक हम ज़ीरो बढ़ा लेंगे तो ऐसे हर एक के नीचे ज़ीरो लिखते जाएंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख तो एक किलोमीटर में वन लाख सेंटीमीटर होता है या टेन दो तो पावर फाइव सेंटीमीटर आएंगे किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने की एक और विधि आई है उसको हम आगे लिख देते हैं तो इसको हम इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं वन बाई सिक्सटी थाउजेंड जो कि आर एफ की, की वैल्यू है और इस किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हज़ार का उड़ा करना पड़ेगा तो नाइन इंटू थाउजेंड या आ गया मीटर में फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो सौ का उड़ा और, कर, और करना पड़ेगा क्योंकि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यही चीज़ यहाँ पर आ रही है एक के आगे पाँच शून्य तो यहाँ भी इसको उड़ा करेंगे तो एक के आगे पाँच शून्य मिल पाएगा और ये वैल्यू किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये तीन शून्य यहाँ से कट जाएंगे, एक शून्य यहाँ से कटेगा दो तिया छः आ जाएगा और दो पच्चे दस आएगा और ये तीन त्रिक के नौ तो मापनी की लंबाई तीन पच्चे पंद्रह सेंटीमीटर की हमें मिल जाएगी तो अब ड्राइंग जब हम करेंगे तो मापनी जो खींचेंगे उसकी लंबाई पंद्रह सेंटीमीटर की खींचेंगे तो याद रखिएगा जब कभी भी आपको किसी मापनी की कंस्ट्रक्शन करनी होगी या ड्राइंग करनी होगी तो आपको यही मापनी की लंबाई निकालनी पड़ेगी और जो हमेशा सेंटीमीटर में ही निकाली जाएगी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया मापनी की लंबाई निकालने के लिए आपको आर और मापनी से मापी जा सकने वाले अधिकतम दूरी दोनों पता होनी चाहिए आइए अब सदर मापनी को बनाना शुरू करें तो सबसे पहले हमें मापनी की लंबाई के बराबर एक सरल रेखा खींचनी होगी जो कि सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी ये मापनी की लंबाई पंद्रह सेंटीमीटर आई इसलिए हम यहाँ पे पंद्रह सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे तत्पश्चात इस रेखा की समांतर रेखा एक और खींची जाएगी जो यहाँ से पाँच एम mm दूरी पे होगी तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे पाँच एम mm की दूरी पर कुछ इस प्रकार से फिर पहले से खींची गई रेखा के समांतर रेखा खींच ली जाएगी यहाँ से और वो भी पंद्रह सेंटीमीटर की ही खींची जाएगी तो इस बिंदु से गुजरते हुए ही हम खींचेंगे कुछ इस प्रकार से इतना खींचने के बाद इन आखिरी बिंदुओं को आपस में मिला लिया जाएगा यहाँ पे ऐसे और इसको कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमें ये क्या करना पड़ेगा इस पूरी लंबाई पे मुझे नौ किलोमीटर की दूरी को दिखाना था क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है नौ किलोमीटर की आ रही है तो अगर हम इस रेखा के नौ हिस्से कर दें तो हर एक हिस्सा एक किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा और फिर आखिर के एक किलोमीटर के हिस्से के दस बराबर हिस्से कर दें तो उसके हर दसवा हिस्सा एक हेक्टोमीटर को प्रदर्शित करेगा तो आइए सबसे पहले हम इस पूरी लंबाई के नौ बराबर हिस्से करें तो उसको नौ हिस्से करने के लिए हमें इस रेखा के शुरुआती पॉइंट से एक न्यून कोड बनाना होगा न्यून कोड 90 डिग्री से कम की कोई भी एंगल हो सकती है तो ये जब भी होगा 90 डिग्री से कम ही होगा ये इंक्लाइन लाइन पे हम कोई चाप लेकर के नौ हिस्से करेंगे तो आइए इसके नौ हिस्से कर लें तो हम सेट स्क्वायर में एक चाप भर लिए हैं बस कोई भी रैंडमली आप कोई भी चाप ले सकते हैं और उसको लेने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से हम उतने ही चाप इस पर काटेंगे जितने की इस पूरी रेखा को जितने हिस्से करने होते हैं तो यहाँ नौ हिस्से करने इसलिए यहाँ पे इस इंक्लाइन लाइन पे नौ हिस्से या चाप प्राप्त करेंगे इस दौरान चाप की जो डिस्टेंस उसको हम चेंज नहीं करेंगे उसी चाप से हम लगातार चाप प्राप्त करते जाएंगे इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इस न्यून कोड पे नौ हिस्से प्राप्त कर लिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फिर इस नवे वाले चाप से प्राप्त बिंदु को और इस आखिरी बिंदु को आपस में मिला दिया जाना है रेखा में कुछ इस प्रकार से ये नवा हिस्सा हमेशा आखिरी में मिलाया जाएगा कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिर दूसरे सेट स्क्वायर को हम इसके नीचे कुछ प्रकार से रख लेंगे फिर इसी रेखा के समांतर रेखाएं हम हर एक पॉइंट से खींचते जाएंगे कुछ जो मैं खींच रहा हूँ इस प्रकार से हम खींचेंगे और ये बिल्कुल आखिरी बिंदु तक ऐसे ही रेखाओं को खींचा जाएगा जब इन समांतर रेखाओं को खींचेंगे तो ये रेखाएं पहले से खींची गई रेखा को नौ बराबर एक सौ में डिवाइड कर देगा फिर प्राप्त इन सभी बिंदुओं से उधर ऊपर तो की दिशा में रेखाएं खींच ले जाएंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हर एक खंड नौ हिस्सों में बटा हुआ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आइए सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात हर एक बिंदु से उधा रेखाओं को हम खींच लें कुछ इस प्रकार से इनको डिवाइड करने के बाद आइए हम यहाँ पे अलग अलग यूनिट को दिखा दें तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो किलोमीटर की है तो ये हर एक हिस्सा जो है एक एक किलोमीटर को दिखा रहा है तो आइए सबसे पहले नंबरिंग करें नंबरिंग सदैव हम आखिरी सिरे से एक छोड़ करके यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ज़ीरो यहाँ पर लिखा जाएगा फिर यहाँ पर वन लिखा जाएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये जो आखिरी है ये नवा किलोमीटर को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा क्योंकि हमें जो स्केल बनाना था अधिकम क्या करना था नौ किलोमीटर का दिखाना था जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया मापनी से वहाँ पर जा सकने वाला अधिकम दूरी क्या है नौ किलोमीटर है तो आठ यहाँ से यहाँ तक हो गया और आखिरी नौ ये हो गया अब क्या करेंगे कि इस एक किलोमीटर को हम दस बराबर हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें तो हर एक हिस्से की वैल्यू क्या आ जाएगी एक हेक्टोमीटर के बराबर आ जाएगी ठीक है क्योंकि आप जानते हैं कि दस हेक्टोमीटर बराबर एक किलोमीटर अर्थात किलोमीटर का दसवां हिस्सा एक हेक्टोमीटर के बराबर होता है तो उसके लिए हमें आप एक न्यून कोड और बनाना पड़ेगा फिर इस पर दस चाप प्राप्त करने पड़ेंगे ताकि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दस बराबर हिस्सों में डिवाइड कर पाएँ तो आइए इसे बनाना शुरू करें तो यहाँ भी कोई एक हम न्यून कोड खींच लेंगे कुछ बताए गए तरीके से इस प्रकार से फिर कोई भी चाप ले करके इस पर हम दस चाप प्राप्त कर लेंगे चाप उतना बड़ा ही लेना है ताकि इस पर हमें दस चाप मिल पाए तो यहाँ पे मैंने एक चाप ले लिया है फिर यहाँ से हम दस चाप प्राप्त कर लेंगे चाप को चेंज नहीं करना है फिर से चाप से लगातार हम चाप प्राप्त करते जाएंगे, उनकी संख्या दस होगी क्योंकि यहाँ पे हम के इस डायमेंशन के दस हिस्से करने हैं अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे दसों चाप को प्राप्त कर लिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन हम क्या करेंगे इस दसवें चाप के पॉइंट को ये जो जीरो लिखा हुआ उसके ठीक नीचे ये वाला पॉइंट ऊपर खींचा गया है उससे मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से रख करके इसको मिलाने के बाद हर एक बिंदु से प्राप्त जो ये चाप प्राप्त हुए बिंदुओं इन बिंदुओं से इस रेखा के समांतर रेखाओं को हम खींचेंगे तो आइए सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात इन समांतर रेखाओं को खींच लें हर एक बिंदु से जो कि कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा ये हर एक बिंदु से इस बेस लाइन तक ही खींची जाएगी रेखाएं। फिर पूर्व में जैसे यहाँ पे हर एक बिंदु प्राप्त हुआ था उधर रेखाएं खींची गई थी वैसे ही इन सभी बिंदुओं से उधर रेखाएं को खींचा जाएगा तो उससे पहले हमको सभी बिंदुओं को प्राप्त कर लेना अति आवश्यक है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे हर एक बिंदु से समांतर रेखाओं को मैंने खींच लिया है अभी प्राप्त सभी बिंदुओं से उधार रेखाएं रेखाएँ ऊपर दिशा में खींची जाएंगी तो इसके लिए हम स्क्वायर को पहले से खींची गई रेखाओं को कंसाइड करते हुए रख लेंगे और स्क्वायर को सेट कर लेंगे फिर इन बिंदुओं से भी उधार रेखाएं ऊपर की दिशा में बढ़ा ली जाएंगी इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सभी बिंदुओं से उधर रेखाओं को खींच लिया है अगर आप ध्यान दें तो काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे जीरो है यहाँ पहला पॉइंट दूसरा तीसरा चौथा पचास छठा सता अठा नौवा और ये दसवां तो आखिर में ये दस सब डिविज़न्स हमको मिल गए किलोमीटर के जो कि क्या होगा हेक्टोमीटर में होगा इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हेक्टो मीटर और इसका यहाँ पे टू हो जाएगा फोर एट और आखिरी में यहाँ पे टेन तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक बटे में साठ हज़ार आर एफ वाला एक प्लेन स्केल बना चुके हैं आखिर में हमें इस स्केल पे एट किलोमीटर और सिक्स हेक्टोमीटर को प्रदर्शित करना है तो एट किलोमीटर की दूरी ज़ीरो से लेकर के एट यहाँ तक की होगी और सिक्स हेक्टोमीटर को हम यहाँ से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे सिक्स है तो इसके सीध में हमें रेखा खींचेंगे तो आइए इसको हम दिखा दें इस दूरी को तो सबसे पहले हमें सिक्स सेक्टोमीटर ये है तो इसके सीध में एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे जिसको एक्सटेंशन लाइन कहेंगे ड्राइंग के भाषा में एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर खींच लिया जाएगा और ये एट किलोमीटर की सीध में एक एक्सटेंसन लाइन खींचा जाएगा कुछ इस प्रकार से तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो एट पॉइंट सिक्स किलोमीटर या तो एट किलोमीटर सिक्स एक्टोमीटर की होगी तो यहाँ पे डायमेंशन लाइन खींच लेंगे एक तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे एरो लगा देंगे जो कि थ्री टू वन की रेशियो में खींचा जाता है और इस दूरी को हम दिखा देंगे कि ये एट किलोमीटर सिक्स हेक्टोमीटर है या फिर 8.6 किलोमीटर तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा सलूशन ये हुआ और ड्राइंग कुछ इस प्रकार से बनाई जाएगी उम्मीद है कि आप इसके सल्यूशन तथा इसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ भी गए होंगे और बना भी लिए होंगे एग्जाम्स में इस यूनिट्स को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि मैं ये बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि मापनी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको यूनिट्स को एक दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर ये नहीं अगर आपको आएगा तो सल्यूसन में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखें और जब कभी भी सदा मापनी बनानी हो तो उसका बनाने का तरीका कुछ प्रकार से होता है और मापनी की लंबाई बताए गए तरीके से निकाली जा सकती है उम्मीद है कि आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा इसमें जो कुछ भी बताया गया है वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया